झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। रेलवे ने मिट्टी जांच के लिए खोदा था गड्ढा, मिट्टी में दबा मिला शव शिनाख्त नहीं। 25 से 30 वर्षीय युवती का शव गड्ढे से पुलिस बुधवार को बरामद की। युवती की हत्या करने के बाद हत्यारों ने शव को इस गड्ढे में दबा दिया था। गड्ढे से 50 मीटर दूर युवती का चप्पल, एक माला, खून का धब्बा व डंडा भी था। बुधवार की पुलिस आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर कुछ गांव वालों की नजर पड़ी। यह खबर है धनबाद से। बीटीटी को हटाने की साजिश के विरोध में निदेशक से मिला सौंपा ज्ञापन। झरिया व धनबाद के बीटीटी और सहिया साथी अपने मांगों को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला से रांची कार्यालय में मिले। निशा के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी के नेतृत्व में बीटीटी और सहिया साथी रांची गए थे। बीटीटी आनंदी यादव और रेखा कुमारी ने बताया कि अप्रेजल के नाम पर बीटीटी को एक जिला से दूसरे जिला भेजा जा रहा है। खबर है जमशेदपुर से। सेंट्रल रिफिल वेलफेयर ट्रस्ट ने सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का किया आयोजन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेंट्रल रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन हरासो डूंगरी कपाली में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कपाली नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता उपस्थित थे। खबर है गुमला से। गुमला में कोरवा जनजाति किसान का मिला शव, जाने किसने खोले हत्या का राज। गुमला जिला अंतर्गत अलवट एक्का जारी थाना स्थित गुर्दा कोना गांव के किसान नेहरू कोरवा की हत्या कर उसके शव को धोबारी उरई कोना पहाड़ी के नीचे बेड़ा नाला में गाड़ दिया गया था। हत्या सोमवार की शाम की हुई थी। बुधवार की सुबह पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव के दो युवक रमेश कोरवा और जगदीश कोरवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई राज खोले हैं। खबर है चतरा से। झारखंड में ऑपरेशन लोटस पर भाजपा का पलटवार। दीपक बोले, हेमंत सरकार के खिलाफ पार्टी नहीं चला रही कोई अभियान। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ लोटस अभियान के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्थिति साफ की है। ईटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्री प्रकाश ने कहा है कि भाजपा झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ कोई लोटस अभियान नहीं चला रही है, यह मुख्यमंत्री का भ्रम है। हेमंत सरकार जितने दिन चलेगी भाजपा को उतना अधिक लाभ होगा। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जनता दरबार, सैकड़ों फरियादों ने सुनाई अपनी समस्या। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के बरवाटोली स्थित कार्यालय में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में सैकड़ों फरियादों ने अपनी फरियाद सुनाई। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को अविलंब उसके समाधान के निर्देश दिए गए। वित्त मंत्री के जनता दरबार में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं संबंधित लिखित आवेदन दिए। वही इनमें सर्वाधिक अंचल से संबंधित शिकायतें आई, इसे सुधारने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में हर कोई अपनी समस्या बेझिझक होकर रखे, प्राथमिक के आधार पर उसका समाधान करने की दिशा में पहल की जाएगी। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि में बदलाव, जाने अब कब होगी परीक्षाएं। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि व कार्यक्रम जारी कर देगा। जैक द्वारा परीक्षा तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जैक को पत्र भेजा गया था। शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इस संबंध में समीक्षा करने को कहा गया है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। राष्ट्रपति ट्रंप ने जाते जाते चीन को दी चेतावनी, बताया भारत को किन देशों से है खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकाल के आखिरी कुछ दिनों में अपनी सरकार की छवि सुधारने की कोशिश की। ट्रंप ने अपने प्रशासन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यह उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है। एक फेयरवेल वीडियो में ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने चीन को उसकी हरकतों के लिए चेतावनी भी दी। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका के दोस्त भारत को चीन और रूस से सतर्क रहने की कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट में कहा, ब्रिक्स याद है, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और नरेंद्र मोदी को शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य बोले, कृषि कानून वापस लिए गए तो 50 सालों तक कोई सरकार इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सार्वजनिक रूप से सरकार समर्थक राय व्यक्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को हमले का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने मंगलवार को कहा कि वे विभिन्न हितधारकों से चर्चा के दौरान अपनी विचारधारा एवं रुख को अलग रखेंगे। मामले को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने इसके बावजूद संकेत दिया कि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना लंबे समय में जरूरी कृषि सुधार के लिए उचित नहीं होगी। मार्टिर्स डे को लेकर केंद्र का आदेश, 2 मिनट थम जाएगा देश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने शहीदों के सम्मान में एक और फैसला लिया है। शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी के निधन वाले दिन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। इसमें शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखने का कहा गया है। इस दौरान कामकाज और आवाजाही पर रोक भी रहेगी। शहीद दिवस के लिए ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि 30 जनवरी शहीद दिवस के हर वर्ष 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। पूरे देश में इन 2 मिनट के दौरान कोई कामकाज या आवाजाही नहीं होगी। महीनों गायब रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आए अली बाबा के संस्थापक जैक मा। अली बाबा समूह पर चीन के आक्रामक तेवर के बाद से लापता चीनी अरबपति जैक मा बुधवार को अचानक दुनिया के सामने प्रकट हो गए। वह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार वह पिछले 2 महीने से गायब थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स न्यूज के मुख्य रिपोर्टिंग किंग चेन ने एक ट्वीट करके कहा कि जैक मा गायब नहीं हुए हैं। ये देखिए, मा ने बुधवार को सुबह 100 गांव के शिक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि कोरोना के बाद हम एक दूसरे फिर से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप से इनकार, कहा फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रैक्टर रैली पर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ट्रैक्टर रैली को लेकर याचिका वापस लेने के लिए पूछा। इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली है। ठीक होने के बावजूद खराब हो जाता है कोरोना संक्रमित का फेफड़ा, डॉक्टर्स ने किया सनसनीखेज दवा। कोविड पॉजिटिव रह चुके लोग इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या उनके फेफड़े भी उतने ही ठीक हैं जितने वे खुद दिखाई दे रहे हैं? जी नहीं। अगर वो अपने फेफड़ों की जांच करवाए तो उनके फेफड़े एक बुरी तरह से धूम्रपान करने वाले इंसान से भी ज़्यादा खराब होंगे। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, यह बात कही है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिटनी वेंक हेड कैंडल ने। डॉक्टर ने 3 तरह के लोगों के फेफड़ों की जांच की। इनमें से पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति, एक बुरी तरह से धूम्रपान करने वाला व्यक्ति और एक कोविड का पेशेंट शामिल था। कमला बनने जा रही है यूएस की उपराष्ट्रपति, भारत में मामा बोले, वैक्सीन को लेकर मिलने जाऊंगा। कमला हैरिस कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस मौके पर भारत में उनके परिवार में खुशी का माहौल था। दिल्ली में कमला हैरिस के मामा बालचंद्रन गोपालन ने कहा कि उनका परिवार आज बहुत खुश है। बालचंद्रन गोपालन ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद वो अमेरिका जाएंगे और अपनी भांजी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी को एक और झटका, टीएमसी एमएलए अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस बागियों से परेशान है। एक के बाद एक टीएमसी नेता पार्टी को अलविदा कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। संघ की मार्च में बेंगलुरु में बैठक, भैया जी जोशी की जगह चुना जाएगा नया कार्यवाहक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस बार बेंगलुरु में 19 और 20 मार्च को होने जा रही है। संघ के इतिहास में पहली बार नागपुर से बाहर होने जा रही है चुनावी बैठक। इसलिए भी यहां मानी जा रही है क्योंकि इसमें संघ में नवंबर 2 यानी सकारवाक चुनाव होना है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेताओं को शामिल होने की संभावना है। हालांकि संघ यह बैठक पिछले साल मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हो सकी थी। बीजेपी ने मुकेश सहनी को 6 की बजाय 1.5 साल के लिए
MLC क्यों बनाया? बिहार की दो विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। हालांकि शाहनवाज हुसैन का कार्यकाल 4 साल तक रहेगा, वही जबकि मुकेश सहनी महज 1.5 साल के ही MLC रह सकेंगे। सहनी 6 साल के कार्यकाल के आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब 2022 में उन्हें फिर से उच्च सदन पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। स्वामी सरनम अयप्पा गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर सुनाई देगा ब्रह्मोस रेजिमेंट का यह वार क्राइ। महज 1 सप्ताह बाद गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ पर स्वामी सरनम अयप्पा के पवित्र मंत्र का जाप सुनाई देने वाला है। 861 ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट, जो भारत की सबसे घातक सेनाओं में से एक है, राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेगी और इस अवसर पर भगवान अयप्पा की मंत्रमुग्ध करने वाली प्रार्थनाओं का जाप करने जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, LOC पर 3 घुसपैठ को मार गिराया। गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में बुधवार को बड़ी आतंक साजिश को विफल कर दिया है। जम्मू जिले में स्थित नियंत्रण रेखा पर 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया, जबकि सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। रात को इस घटना में सेना ने घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि घाटी में आतंकवादियों को खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। संकट में पड़ोसियों को सहारा बना भारत, 6 देशों को वैक्सीन सप्लाई शुरू। देखिए कब कब संकट मोचक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। कोरोना संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर संकट मोचक बनकर सामने आए। भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत आज 20 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन को 1.5 लाख डोज वाली पहली खेप भूटान के लिए रवाना हुई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूटान की राजधानी थिम्बू के लिए वैक्सीनेशन की पहली खेप रवाना हुई है। खबर खेल जगत से, जिस देश में पड़ी भारतीय खिलाड़ियों को गाली, अब वहां की मीडिया करते नहीं थक रहे हैं तारीफ। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिर मैच ने सबके दिलों को 1 मिनट चाप छोड़ी है। सालों तक टीम इंडिया की इस जीत के कसीदे पड़े जाएंगे। पूरी दुनिया भारतीय यंग ब्रिगेड की मुरीद हो गई है। वर्ल्ड मीडिया में भी भारतीय खिलाड़ियों के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अखबारों और वेबसाइट पर आज इंडियन प्लेयर्स छापे हुए हैं। आइए आपको बताएं कि किसने भारतीय टीम को लेकर क्या लिखा। जिस भारतीय पर भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई, वहां की मीडिया ने लिखा कि टीम इंडिया के जादुई तूफान ने गाबा के किले को ढा दिया। स्टार खिलाड़ियों के बिना संघर्ष करती और चोटिल टीम ने फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दी है। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत से वसीम अकरम भी खुश, कहा ऐसी प्रचंड टीम नहीं देखी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम का भी अपना मुरीद बना लिया है। वसीम अकरम ने ट्वीट पर मंगलवार को ट्वीट करते हुए टीम इंडिया की जबरदस्त तारीफ की। अकरम ने लिखा कि भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट और श्रृंखला में असाधारण जीत हासिल की है। मैंने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐसी आक्रामक, साहसी और प्रचंड एशियाई टीम नहीं देखी। कोई भी परेशानी उन्हें नहीं रोक सकती। प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की और 36 रनों पर ऑल आउट होने के बाद शानदार तरीके से वापसी की। दूसरों प्रेरणा शाबाश इंडिया, शाबाश। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।